वेलकम टू वेल नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस सो वॉट इज न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज रिकार्डेड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल किसने डिस्कर किया था न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट ब्राउन ने एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर स्टेन दिया उसके बाद उन्होंने इसको देखा माइक्रोस्कोप के अंदर रॉबर्ट हु ऑलरेडी सेल की डिस्कवरी कर चुके थे रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि एक सेल के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है जो बहुत ओपेक है और उन्होंने बोला ये है एरिया ओपे का एरियोला और न्यूक्लियस बट न्यूक्लियस के अंदर क्या है ये एग्जैक्टली exactly किसी और ने बताया जब हमने एक न्यूक्लियस को स्टेन दिया तब उन्होंने लिया बेसिक स्टेन इसका मतलब डेफिनेटली कोई एसिडिक स्ट्रक्चर उसके अंदर रखी हुई है दैट मीन्स न्यूक्लियस हैज एसिड तो दैट कम्पोनेंट इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया बहुत सारे साइंटिस्ट है जो न्यूक्लिक एसिड पर वर्क कर रहे थे दे कॉल्ड इट एज आर एन एंड डी बट क्या सेल के अंदर जो डी है वो फ्री फॉर्म में है या कुछ प्रोटीन्स हैं उनके थ्रू वो बाइंडेड है तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या वो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर रहते हैं यस डीएनए बेसिकली फ्री नहीं है उनके साथ में प्रोटीन्स बाइंडेड है दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का एक नया नाम दिया गया दैट इज नोन एज क्रोमेटिन सो वॉट इज क्रोमेटिन इट इज मैडर ऑफ एंड प्रोटीन प्रोटीन सो टाइप ऑफ एक साइंटिस्ट है उन्होंने बोला इस प्रोटीन को हम आज से नाम देंगे हिस्टोन प्रोटीन सो दैट मीन्स क्रोमेटिन मीन डीएनए प्लस प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस क्रोमेटिन वर्ड वॉज इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड बाय फ्लैमिंग सो न्यूक्लियस हमें कौन से स्टेज में मिलेगा इंटरफेज स्टेज का तो जब हम डिवीजन फेज में जाते हैं प्रोफेज मेटाफेज जैनाफेज एंडिलोफेज इन प्रोफेज न्यूक्लियर मेमोरिन डिसअपेयर क्रोमेटिन एक्जेक्टली कंडेंस हो जाते हैं और साइटोप्लाजिम के अंदर आ जाते हैं एंडिलोफेज के अंदर वापस से न्यूक्लियर मेमोरियन बनती है तो अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल देखते हैं तो न्यूक्लियस इज अ फीचर ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल बिकॉज इन डिवाइडिंग सेल न्यूक्लियस इज नॉट देयर मतलब अगर आप सेल को डिवाइड करने जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा क्योंकि डिवीजन फेज मतलब न्यूक्लियस नहीं है न्यूक्लियर तो गायब हो चुकी है तो एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिलेगा न्यूक्लियस इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर यस उसके अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स हैं यस दैट इज नोन एज क्रोमेटिन बिल्कुल इसके अलावा एक या एक से ज्यादा स्फेरिकल बॉडीज और हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोली और इन सिंगुलर वर्ड दे आर नोन एज न्यूक्लियोलस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखता हूं तो हमने देखा कि यस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में जो स्पेस है दैट इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जैक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन के थ्रू कनेक्टेड है आउटर ल्यूमन के ऊपर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट सो क्या न्यूक्लियर एनिवेल फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस यस तो क्या साइटोप्लाज्म से कोई भी मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है बिल्कुल भी नहीं तो क्या कोई स्पेसिफिक लोकेशंस होगी जिनके थ्रू एंट्री आ सकती है और वो भी रेगुलेटेड एंट्री है यस

सो एम आर एन ए को एग्जैक्टली साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो जाएगा कैसे इन्हीं पोर्स के थ्रू जाएगा सो न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स दैट गार्ड द न्यूक्लियर पोर उन्हीं के थ्रू एग्जैक्टली कौन बाहर की तरफ जा रहा है एम आर एन ए तो क्या बहुत सारे एग्जैक्टली सेल न्यूक्लियस के अंदर एंटर करते हैं यस डी एन ए पॉलीमरेज जो कि डी एन ए रेप्लीकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो बनेगा कहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा सो डी एन ए पोलमरेज इज सिंथेसाइज इन द साइटोप्लाज्म और डी एन ए पॉलिमरेज इंजाइम एनजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन प्रोटीन आर सिंथेसाइज ऑन द राइबोसोम राइबोसोम आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म सो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है वो डी एन ए पॉलिमिज बना के जाएंगे अब यी एन ए पॉलिमिज न्यूक्लियर पॉर कॉम्प्लेक्स के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा वॉट अबाउट आर एन ए पॉलीमरेज आर एन ए पॉलिमिज इज एंजाइम एंजाइम है इसका मतलब ट्रांसलेशन होगा क्योंकि प्रोटीन से बना होता है

लेकिन उनकी लोकेशन अलग अलग जगह मिलेगी इसका मतलब वो ट्रांसपोर्ट होकर न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं तो क्या एक सेल के अंदर मेरे पास में जितनी भी इसका मतलब एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो न्यूक्लियर पोर को गार्ड करके रखता है राइट उसकी मेम्ब्रेन उसको गार्ड करके रखता है इसका मतलब क्या वो रेगुलेट करके जा रहा है येस कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा आप सही करें

क्रोमेटिन और न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स मिलेंगे यस क्या मुझे क्रोमेटिन मिलेगा बिल्कुल आप सही रहे हैं क्या ये एक लूज नेटवर्क है बिल्कुल सही बात है सो दैट मींस मेरे को एक लूज नेटवर्क मिलता है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स का दैट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स डी एन ए प्रोटीन कंटेंट डी एन ए प्रोटीन इन कंबाइंड फॉर्म डी एन ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज नॉन एज क्रोमेटिन क्रोमेटिन एग्जैक्टली कंडेंसेशन होके क्या प्रोड्यूस करेंगे क्रोमोजोम सो क्रोमेटिन अंडर गो कंडेंशन इन द प्रोफेज एंड प्रोड्यूस वाट क्रोमोजोम्स सो क्रोमोजोम्स बनने के साथ साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी एंड क्रोमोजोम्स आपको साइटोप्लाजम करने मिलेंगे सो दैट मीन्स डिफरेंट स्टेजेज ऑफ द सेल डिविजन के अंदर जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो है क्रोमोजोम्स की मीन्स प्रोफेज के अंदर हमें क्रोमोज़ोम्स मिलेंगे मेटाफेज में आपके क्रोमोजोम्स हैं एना फेज में आपके हैं, में आपकी अगेन होके क्रोमेटिन बना लेंगे तो क्या एक क्रोमेटिन के अंदर डी एन ए है बिल्कुल है क्या डी एन एसिड और बेस डी न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज डीएनए सो इज एसिड एसिडिक है डी एन ए का नेचर तो दैट मीन्स अ प्रोटीन विच बाइंड विद डीएन ए मस्ट बी बेसिक इन नेचर दैट मीन्स उन प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए इसका मतलब उन प्रोटीन्स में बेसिक अमाइनोसिड ज़्यादा होना चाहिए डी एन ए एसिडिक है डी एन ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो जो प्रोटीन इनसे बाइंड करेगा और क्रोमोटिन फॉर्म करेगा क्रोमोजोम फॉर्म करेगा उन प्रोटीन का नेचर होना चाहिए बेसिक बेसिक मीन्स हैविंग मोर बेसिक अमाइनोसिड लाइक आर्जिन एंड लाइसिन

माइक्रोमीटर साइज ऑफ न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा और यही हमारे पास में टू मीटर लॉन्ग डीएनए मीटर लॉन्ग डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अमंगस ट्वेंटी थ्री पेय ऑफ क्रोमोजोम के अंदर ये टू मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट है क्रोमोजोम में वापिस आपको बताता हूं क्रोमोजोम हमें कब दिखाई देंगे ड्यूरिंग द डिविजन फेज इसका मतलब इससे पहले नॉन डिवाइडिंग सेल और इंटरफेज में मुझे क्या दिखाई दे रहा है क्रोमेटिन एक के अंदर मुझे एक और पिक्युलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है राइट दैट इज नोन एज न्यूक्लियल ऑर्गेनाइजिंग रीजन एनवार इसका दूसरा नाम है सैटेलाइट एक क्रोमोजोम्स के अंदर एक बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया विजिबल होता है जब हमें क्रोमोजोम्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं एक पर्टिकुलर स्टेन देने के बाद में तो हमें एक कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया दिखाई दे रहा ये में है तो दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर इज नोन एज सेंट्रोमियर सो सेंट्रोमियर एग्जैक्टली क्या करके कर रखता है ये क्रोमोजोम्स के जो आर्म्स है उनको होल्ड करके कर रखा है क्रोमोजोम्स के अंदर जो क्रोमेटिड है सिस्टर क्रोमेटिड उनको होल्ड करके रखा गया एंड इसके अलावा ये अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करता है फॉर द काइनेटोकोर सो वंस काइनेटोकोर आर अटैच बिकॉज काइनेटोकोर इज ऑल्सो अटैच विद अ माइक्रोडिब्यूल्स काइनेटोकोर इज अटैच विद माइक्रोडिब्यूल्स एंड माइक्रोडिब्यूल्स इज अटैच विद अ सो इन मेटाफेज सेंट्रोमियर इज अटैच विद अ काइनेटोकोर इज अटैच विदक्रो डिब्युल्स माइक्रोडिब्यूल्स इज अटैच विद अन्ट्रीओर क्रोमोज़ोम सेग्रीगेशन के अंदर सेंट्रोमियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो क्या ये जो सेंट्रोमियर है बहुत क्रुशियल रोल प्ले करके जा रहा है इन द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिन यस और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोज़ोम, यस तो बेस्ड अपॉन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोज़ोम कैन बी क्लासिफाइड इन टू द फोर कैटेगरीज नंबर वन इज ए मैट्रा सेंट्रिक मेटा सेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर होगा वो एग्जैक्टली मिडल में है और दोनों जो आर्म्स हैं जो एग्जैक्टली ऑरिजिनेट होने जा रही है उनकी लेंथ एग्जैक्टली सेम है सो दैट मीन्स जो आर्म्स हैं उन दोनों आर्म्स की लेंथ एग्जैक्टली सेम है और सेंट्रोमेयर इज इन द मिडल हेंड एज मेटा सेंट्रिक आप देख सकते हैं सेंट्रोमेयर बीच में है एंड लेंथ ऑफ द आर्म और आर्म लेंथ इज सेम

इसका मतलब एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाएगी एंड दूसरी आर्म एग्जैक्टली लॉन्ग हो जाती है इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक एक लास्ट है जिसके अंदर सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द एंड टीलोसेंट्रिक टीलोसेंट्रिक मीनस टर्मिनल सेंट्रोमियर इनके पास में सिर्फ एक ही आर्म होगी सेकेंड आर्म इज एबसेंट हमें क्रोमोसोम्स के अंदर एक और कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है दैट इज नोन एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन और एनओआर इट इज ऑल्सो नोन एज सैटेलाइट बिकॉज हमें ये एक स्मॉल फ्रैगमेंट की तरह दिखाई देता है न्यूक्लियस के साथ साथ में एक और बहुत सिंपल टॉपिक आपके एन सी है दैट इज नोन एज माइक्रोबॉडीज वट इज माइक्रोबॉडीज मैनील नोन इज माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स लाइक प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज एनिमल्स तो बहुत सारे माइक्रोबॉडीज हमें प्लांट से मिलेंगे और एनिमल्स के अंदर मिलेंगे माइक्रोबॉडीज के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रजेंट है यस क्या इनका साइज बहुत छोटा होता है इसलिए इनका नाम है माइक्रोबॉडीज तो इनका, इन, क्योंकि इनका साइज बहुत माइन्यूट है ये लाइसोसोम से भी छोटे हैं लेकिन इनके पास में कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं तो राइबोसोम से को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं एक है फ्री राइबोसोम एंड सेकेंड इज बाउंडेड राइबोसोम फ्री राइबोसोम कहां प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर बाउंडेड राइबोसोम्स कहा होते हैं कुछ एग्जैक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंडेड होते हैं इसलिए हम उनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ एग्जैक्टली न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के साथ बाइंडेड है इसलिए हम उनको बोल के आ रहे हैं न्यूक्लियरलेस राइबोसोम तो जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम राइबोसोम है जो फ्री है उनका क्या फंक्शन है एग्जैक्टली वो सेलुलर प्रोटीन सिंथेसाइज करके जा रहे हैं दैट सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं जो विद इन विदिन सेल रहेंगे दैट प्रोटीन आर सिंथे बाय द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम या ग्लाइकोलाइसिस में बहुत सारे एंजाइम्स काम में आ रहे हैं लाइक हेग्जोकाइनिस फॉसोफ्रेक्टोकाइनिस आइसोमरीजिस पायरवेड काइनेज ये सब कौन सिंथेसाइज करके जा रहा है ये सारे के सारे फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं लेकिन अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम देखते हैं दैट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स हैं वो उन प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में रहेंगे या फिर जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की ल्यूमन में है मींस ईआर ल्यूमन के अंदर है या फिर जो गॉल्जी को ट्रांसपोर्ट होंगे वो प्रोटीन्स जो भी प्रोटीन गोलजी को ट्रांसपोर्ट होंगे दैट आर सिंथेसाइज बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम विच आर प्रेजेंट ऑन द ईआर या फिर जो लाइसोसोम में जो प्रोटीन्स मिलते हैं क्योंकि लाइसोसोम्स आर डिराइव फ्रॉम द गॉलजी इसका मतलब लाइसोसोम में जितने भी एंजाइम्स हैं उनको प्रोटीन्स किसने प्रोवाइड किया गॉलजी ने प्रोवाइड किया गॉलजी को ये प्रोटीन कौन प्रोवाइड कर रहा है गोलजी को ये प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो दैट मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये प्रोटीन कौन देके जा रहा है द राइबोसोम ई आर टू द ईआर वो प्रोटीन सिंथेसाइज करके जा रहे हैं वो पहले प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देंगे जो राइबोसोम ईआर के ऊपर बाइंडेड है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे वो सबसे पहले प्रोटीन देंगे ईआर ER को ईआर में प्रोटीन आने के बाद वो प्रोटीन जाएगा गॉल्जी में गॉल्जी से फिर वो प्रोटीन जाएगा लाइसोसोम में तो जो परोक्सी सोम है उनको प्रोटीन कैसे बनेंगे परोक्सी सोम का भी सेम पाथवे है पहले वो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ईआर के अंदर एंड देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में आएगा एंड उसके बाद परोक्सी में मिलेगा कभी कभी डायरेक्ट ईआर से भी परोक्सोम ऑरिजिनेट हो जाएगा इसका मतलब परोक्सोम से, से, से बनने जा रहा है तो प्लाज्मा ऊपर प्रोटीन कैसे जा सकते हैं तो बहुत सारे प्रोटीन्स एग्जेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जाएंगे वो एग्जेक्टली कौन बना के जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाथवे सेम अगर आप एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिसेप्टर देना चाह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आप कोई प्रोटीन लगाने चाह रहे हैं इंटेंसिक और एक्सटेंसिक सो दैट प्रोटीन इज सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम विच आर प्रजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो ई आर ल्यूमन में वो प्रोटीन आएगा फिर गोलजी में आएगा फिर वेसिकल्स में जाएगा फिर मेम्ब्रेन में चला जाएगा जो प्रोटीन सिक्रेटरी नेचर के हैं आप सेल के बाहर रिलीज करेंगे वो प्रोटीन भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के जाएगा तो सबसे पहले वो प्रोटीन बनेगा रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम के ल्यूमन में फिर गोल्जी फिर वेसिकल एंड देन आउटसाइड द सेल तो फ्री राइबोसोम और मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम को हम बहुत इजी वे में समझ सकते हैं फ्री राइबोसोम सेलुलर प्रोटीन्स से बना के जा रहे हैं प्रोटीन जो न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल डी एन ए पॉलमिज आर एन ए पॉलमिज ये सिंथेसाइज होते हैं फ्री राइबोसोम के ऊपर एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूक्लियस The help of और say for example, में जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होंगे वो बनेंगे फ्री के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन्स माइट्रोकोंड्रिया खुद सिंथेसाइज करके जा रहा है क्योंकि माइट्रोकोन्ड्रिया के पास भी से। प्लांट सेल्स के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स

दैट मीन्स द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाजमिक रेडिकुलम वो प्रोटीन बनाकर जा रहे हैं ई ER आर के लिए वो प्रोटीन सिंथिसाइज करते हैं गॉल जी वो प्रोटीन सिंथिसाइज करते हैं पैरोक्सी के लिए वो प्रोटीन सिंथिसाइज करने जा रहे हैं लाइसोसोम के लिए एंड वो प्रोटीन सिंथिसाइज करते हैं फॉर सेक्रेडरी नेचर मीन आउटसाइड द सेल सो इस तरीके से दो अलग अलग राइबोसोम का दोनों अलग अलग फंक्शन है